दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में स्थापित किए गए मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में संजीवनी क्लिनिक स्थापित करने की योजना बनाई। इंदौर में संजीवनी क्लिनिक के लिए जगह चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया और जल्द ही संजीवनी क्लिनिक का फायदा शहरवासियों को मिलने वाला है। संजीवनी क्लिनिक उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है और इसकी शुरुआत होने के बाद आमजन को बड़ी राहत मिलेगी और हर बीमारी के इलाज के लिए उन्हें बड़े अस्पताल का रुख नहीं करना होगा। सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके हिसाब से जितने भी संभागीय मुख्यालय हैं वहां पर 50 से 60 हज़ार की पॉपुलेशन पर ऐसे स्थानों पर जहां स्लम अधिक है और कोई भी स्वास्थ्य संस्थाएं नहीं है वहां पर संजीवनी क्लिनिक खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अभी वर्तमान में जितनी संस्थाएं हैं उन्हें देखते हुए कुल 88 संस्थाएं नई खोली जाएंगी, उनमें से 29 संस्थाएं इंदौर को मिली हैं और इंदौर में उनके लिए जगह चिन्हित करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। ये जगह जो है वो नगर निगम के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी और उनका रख रखाव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। संजीवनी क्लिनिक खुलने से शहर के बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होगा। संजीवनी क्लिनिक में डॉक्टर, स्टाफ नर्स के साथ ही लैब टेक्नीशियन रहेगा जहां पर कई तरह की जांच तत्काल कर दी जाएगी और क्लिनिक से ही दवा मुहैया होगी और उपचार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, इंदौर।